इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, काफ़ी बार क्या होता है कि बच्चों के साथ कि एग्ज़ाम आ जाता है और उनको कुछ याद नहीं होता, मतलब याद होता है थोड़ा बहुत, पर पेपर ऐसा आता है उसमें से जो आधा पेपर उनको याद नहीं होता। उस टाइम पर उनको क्या करना है, कैसे जो है आपको उनको लिखना है, मतलब पेपर को आपको कैसे सोल्व करना है ना। मैं आपको इसमें तरीका बताऊँगा पेपर सोल्व करने का, और मैं आपको यही बताऊँगा कि टॉपर जो विद्यार्थी होते हैं, तो जो बच्चे टॉप करते हैं उनका क्या सीक्रेट होता है। उनको आपने काफ़ी बार नोटिस भी करा होगा, वो आपसे कम स्टडी करते हैं फिर भी उनके नंबर काफ़ी अच्छे आ जाते हैं, वो कैसे आ जाते हैं ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, उनका सीक्रेट ही बताऊंगा। और मैं आपको इस वीडियो में एक बात और क्लियर करूंगा, है ना, कि मतलब जो है देखिए, आप जो है एक महीना पढ़कर जो है आपके काफ़ी अच्छे नंबर नहीं आ पाते, पर एक दिन में ही आप अपने पेपर की कैसे अच्छे से तैयारी कर पाओगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ पेपर राइट करने का तरीका, यानी आपको कॉपी कैसे लिखनी है। तो सबसे पहले आपको वो वाले क्वेश्चन करने हैं जो आपको आते हैं बिल्कुल अच्छे से, पूरी तरीके से, चाहे वो बीच बीच में से क्यों ना हो। काफ़ी सारे बच्चे क्या करते हैं, लाइन वाइज करते हैं, चाहे उनको आता है या नहीं आता, ये बड़ी मिस्टेक कर देते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जो आपको आता भी है और नहीं भी आता वो मिक्स हो जाता है। टीचर क्या सोचते हैं कि ये बच्चे ने बना करके लिखा है, तो आपको पहले क्या करना है, जो आपको आता है वो काफ़ी अच्छे से कर लें, उसके बाद जो नहीं आता वो करें, है ना। अगर आप जो पहले आपको आता है वो कर दोगे तो टीचर को लगेगा हाँ बच्चा पढ़ा लिखा है, और स्टार्टिंग में आपको काफ़ी अच्छे नंबर मिल जाएंगे, है ना। अब मैं बात करूँ देखिए जब तो जो टॉपर विद्यार्थी होता है वो क्या क्या याद करता है, और आप क्या वो नहीं करते हो, क्या गलती आप कर देते हो और वो क्या गलतियाँ नहीं करता है। तो देखिए, काफ़ी क्या होता है हमारे साथ, मैंने भी 10th और 12th क्लास करा है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, तो मैं आपको प्रॉब्लम शेयर करता हूँ। देखिए, हम क्या करते हैं, पूरा क्वेश्चन बैंक या फिर पूरी बुक स्टडी करते हैं, पर उसमें क्या होता है, जो बच्चा टॉप करने वाला होता है ना, उसने क्या करा होता है कि चैप्टर को समझा होता है ना, चैप्टर को आपको सिर्फ समझना है, आपको उसे याद नहीं करना है। और उसके जो हैडिंग होते हैं, यानी जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं या फिर उसके हैडिंग होते हैं या फिर किसी जगह का नाम, किसी व्यक्ति का नाम या फिर किसी प्लेस का नाम, उसे आपको याद करना है। और जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा, लॉन्ग क्वेश्चन में आप देखोगे जो थ्योरिकल बुक्स होंगे या फिर थ्योरिकल कोई किताब होगी, उसमें आप देखोगे उसमें ज़्यादा हैडिंग ही होती है ना। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, 15 मिनट में जो है एक लॉन्ग क्वेश्चन आसानी से याद कर सकते हो। 10 से 15 मिनट में आपको क्या करना है, सिर्फ उसकी हैडिंग याद करनी है और बाकी बना करके लिखना है। क्योंकि दोस्तों, जो टीचर होते हैं वो मेन जो हैडिंग को चेक करते हैं, और हैडिंग के अंदर आपने बनाकर लिखा है, पर वो हैडिंग से रिलेटेड होना चाहिए, है ना, हैडिंग से थोड़ा मिलता जुलता होना चाहिए, है ना, हैडिंग जो भी आपने लिखा हो, है ना। तो आपको ऐसे करना है, आप अगर 30 मतलब जो है काफ़ी लॉन्ग स्टडी करते हो, आप मतलब क्या करते हो, पूरा रट्टाफिकेशन करते हो, है ना, तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको सिर्फ समझना है और जो उसकी हैडिंग होती है वो याद करना है, किसी व्यक्ति का नाम, किसी जगह का नाम या फिर किस कहीं का हैडिंग है या फिर किसी की मृत्यु है या फिर, है ना। और जो आपको याद करने वाली चीज़ें हैं वो तो है ही हैं, वो आप 1-2 घंटे में कर लोगे, है ना। तो बच्चों के काफ़ी पेपर चल रहे, तो बच्चे काफ़ी होपलेस थे, उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, है ना, ताकि आप जो है क्या करें, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको पेपर कैसे सोल्व करना ये मैंने आपको बताया है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपको आता है वो सबसे पहले कीजिएगा, और जो नहीं आता वो बाद में कीजिएगा बना करके। पर हाँ दोस्तों, पेपर बिल्कुल मत छोड़िएगा, अगर आप पेपर छोड़ोगे तो क्या होगा, आपके नंबर वहीं से लो होने स्टार्ट हो जाते हैं ना। तो आपको जो नहीं आता वो भी आप बना करके ज़रूर लिख आइएगा। और दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग this video।